बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का मिलाद करते हैं शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। अभी मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पे काम वाली जगह पे। अभी मैंने आते ही सबसे पहले कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद इसको लगाया है रेगमार। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, मैंने आते ही इसको लगाया है रेगमार। अभी मैंने इस दीवार को लगाना है कोट, वो किस चीज़ का लगाना है ये देख सकते हैं हम माशाल्लाह। मेरे पास प्लास्टिक मेल्शन ऑफ वाइट कलर में तैयार है इस दीवार को कोट लगाने के लिए। शुरू करते हैं इस दीवार को कोट लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दीवार का एक हाथ कोट क्लियर हो गया है माशाल्लाह। इसको दूसरा कोट भी लगाना है। अभी तो खैर ये गिली है और इसको छोड़ देते हैं खुश्क होने तक, तब तक हम कर लेते हैं कोई दूसरा काम। इस दीवार को खुश्क होने तक चलते हैं इस कमरे में और देखते हैं इस कमरे के क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं इस कमरे को भी तैयार करना है। छत वाइट और दीवारें ऑफ वाइट। चले इसका छत शुरू करते हैं वाइट कलर में कोट करना। अल्हम्दुलिल्लाह, छत वाइट क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर ऊपर से यहाँ तक दीवारें कोट हो गया है और हो गया है खाने का टाइम। खाना खाते हैं और बकाया काम बाद में करते हैं। अभी मैं खाना खाने लगा हूँ और खाने में है मेरे पास आज खाने के लिए माशाल्लाह आलू मुर्गी बनी हुई है और साथ रोटी है। करते हैं बिस्मिल्लाह और खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कमरे की दीवारों का कोट एक हाथ क्लियर हो चुका है माशाल्लाह। और अभी दीवारों के ऊपर जहाँ जहाँ पे इस तरह ये देख सकते हैं जिस तरह ये खड्डे वगैरह हैं डैमेज, जितने भी दीवारों के ऊपर डैमेज है अब वहाँ पे लगानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की पुटीन और लगाना शुरू करते हैं पुटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पुटीन का काम भी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गया है। इसके ये देख सकते हैं जितनी भी पुटीन थी मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है दीवारों पे जितनी भी पुटीन थी। इसी के साथ अभी चलते हैं ट्यूबलांच वाली दीवार के तरफ, देखते हैं खुश्क हुई है कि नहीं। ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दीवार मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गई है और अभी इसको शुरू करते हैं दूसरा कोट लगाना। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि दीवार है जो मुकम्मल तौर पे फाइनल हो चुकी है, दोनों कोट मुकम्मल तौर पे फाइनल हो चुके हैं। और अभी मैंने दोबारा से फिर कमरे में काम करना है। आप देख सकते हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है इसलिए कि लाइट नहीं है, और अभी लाइट आती है तो फिर दोबारा इंशाल्लाह कमरे की दीवारों को डबल कोट करना शुरू करते हैं। लाइट आने का इंतज़ार है, लाइट आती है तो फिर इंशाल्लाह करते हैं काम शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह लाइट आ गई है और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमरे की दीवारें भी बिल्कुल जो है खुश्क हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये वाली दीवार है जो इधर से लेकर इधर तक नीचे तक मुकम्मल फाइनल हो गई है, और ये वाली दीवारें माशाल्लाह ऊपर ऊपर से फाइनल हो गई हैं और नीचे नीचे से रहती हैं। अभी करते हैं इनको भी फाइनल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कमरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ आपको मैं एक और गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। चलते हैं और आपको गुड न्यूज़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़ा है जो वो लोड कर लिया है लोडर रिक्शे पे, देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी भाई रस्सी फेरेंगे इसके ऊपर, रस्सी के साथ अच्छे तरीके से बांधेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम घर की तरफ लेके जाएंगे और घर वालों को देंगे सरप्राइज़, क्योंकि घर वालों को मैंने नहीं बताया। भाई लोगों ने, ये मेरे दोस्त के वाले साहब हैं, इन्होंने मुझे बताया कि मैंने सेल करना है, तो मैंने इन्हें कहा कि ठीक है मुझे दे दे। तो ये अभी मुझे पैसे नहीं इनके बता रहे हैं कितने देने हैं, ठीक है। ये अदनान भाई हैं मेरे
ये देखें माशाल्लाह। अदनान भाई कितने पैसे होने चाहिए इसके? नहीं जी, जो आपने नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, ये अदनान भाई और मेरे माशर भाई दोस्त हैं जो, और उनके वाले साहब पैसे नहीं बता रहे हैं मुझे, तो आप प्लीज़ बताएं ये 7 सीटर जो सोफ़ा है इसके कितने पैसे होने चाहिए। ठीक है, और अभी चलते हैं इसको घर की तरफ लेके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सोफ़े लेके घर पहुंच चुका हूं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, एक 3 सीटर इस कमरे में लगाया है, और इसी के साथ 2 सिंगल हैं जो इधर लगाए हैं, और एक 2 सीटर है जो वो नीचे लगाया है। मैं अभी आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप माशाल्लाह, एक 2 सीटर है जो इस कमरे में लगाया है। मैं सोफ़े घर लेके आया, घर वालों को सरप्राइज़ दिया और बहुत खुश हुए घर वाले माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल और करम फरमाए। इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मोहम्मद जुनैद को अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।